नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना अध्यक्ष द्वारा बड़ा बयान दिया गया है और इस बयान के कई मायने हैं, आपको पूरी खबर बताएंगे। और चीन के बीच, भारत और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इस बयान का बहुत मायने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत कि सीमाओं पे चीन जिस तरीके से गतिविधियां कर रहा है, उसके बाद सेना प्रमुख बिपिन रावत ने जिस तरीके से चुनौती दिया चीन को, यह साफ तौर पे जाहिर करता है कि आने वाले समय में एक युद्ध की विभीषिका नजर आती है और युद्ध हो सकता है भारत और चीन के बीच में। हालांकि भारत और चीन के बीच में युद्ध हो यह कोई चाहता नहीं, क्योंकि युद्ध के कारण देश को ऐसी स्थितियों को परिस्थितियों में पहुंच जाएगा देश, जिससे तमाम परेशानियां हो सकती हैं, आदेश बहुत पूछे जा सकता है। लेकिन जो खबर आ रही है वो साफ तौर पे इशारा कर रही है कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि चीन बार बार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरीके से चीन बॉर्डर पे गतिविधियां कर रहा है, इससे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि चीन युद्ध ही चाहता है और एकमात्र विकल्प युद्ध ही है। पूरा वीडियो देखिए, आप बने रहिए अंत तक। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्या आपकी सोच है चीन और भारत के बीच और भारतीय सेना के उत्साह वर्धन के लिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते हैं पूरी खबर की ओर, हम आपको पूरी खबर पढ़ के बताएंगे। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर महीनों से चल रहे तनाव के बीच सेना प्रमुख सीडीएस हैं बिपिन रावत ने सोमवार को पड़ोसी चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना चीन के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, हम लद्दाख में तनावपूर्ण स्थिति में हैं और इसके आधार पर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कुछ गतिविधियां चल रही हैं। प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारी जारी रखेगा, किसी भी घटना का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बिपिन रावत ने साफ तौर पर यह कह दिया है। एलएसी पर पाकिस्तान द्वारा जारी संघर्ष विराम उल्लंघन पर सीडीएस रावत ने कहा कि दूसरे पक्ष यानी पाक को अधिक चिंतित होना चाहिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि भारतीय सेना कहीं ना कहीं, हमको लगता है कि हमारे सैनिक मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में कितने लोग मारे जाते हैं ये किसी को अंदाजा नहीं है। जबकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में उतना दम नहीं है जितना वो बिलबिलाता है या बाहर जितना माहौल बनाता है। सच्चाई उसके सेना के प्रमुख या पूर्व वहां के राष्ट्रपति ने साफ तौर पे, पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे बता दिया था कि सेना पाकिस्तान की बहुत कमजोर है, उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। और जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो बिने खाए मर रहे थे, जंगलों में भटक रही थी पाकिस्तानी सेना। वो पाकिस्तान भारत को चुनौती देता है। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान भारत से मुकाबले लायक है ही नहीं, चीन के दम पे पल रहा है और चीन उसको मोटी फंडिंग करता है भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए। भारत और चीन अप्रैल से एलएसी पर लॉगर हेड्स में है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के पास 60,000 सैनिकों को तैनात किया है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के पास 60,000 सैनिक तैनात किया है भारतीय बुनियादी ढांचे का विरोध करने के लिए। अप्रैल मई में एलएसी पर तनाव बढ़ा रहा है। उनके पास बड़ी मात्रा में टैंक और भारी हथियार भी हैं। भारत ने किसी भी चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। वहां दोनों देशों में सैन्य स्तरीय वार्ता चल रही है। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों ने 8 दौर की वार्ता कर ली। आप सबको पता होगा 8 दौर की वार्ता हो गई है, निष्कर्ष अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और 9वें दौर की वार्ता भी चल रही है। हालांकि चीन के युद्धाभ्यास के कारण अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। एलएसी पर पाकिस्तान द्वारा जारी संघर्ष विराम उल्लंघन पर सीडीएस रावत ने कहा कि दूसरे पक्ष यानी पाक को अधिक चिंतित होना चाहिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो यह थी खबर कि क्या घटनाएं हो रही हैं सीमा पर और लद्दाख खास तौर से, जहां पे चीन अपनी सेना लगाई है, जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। लद्दाख में हमारे सेना के तीनों सेना की टुकड़ियां वहां पे जवान लगे हुए हैं, जल सेना भी लगी हुई है, वहां पे झील है, झील के पास जल सेना भी लगी हुई है, स्पेशल कमांडो लगाए गए हैं, वायु सेना भी तैनात है। चीन से हर स्तर पे लड़ने के लिए भारत तैयार है, लेकिन
वास्तविकता क्या है कि चीन आखिर क्यों इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है और चीन खास तौर से पाकिस्तान को बार बार किस लिए फंडिंग कर रहा है? क्या चीन को विकास की चिंता नहीं है? दरअसल चीन पर भारत ने जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया, चीन की इन्हीं गतिविधियों की वजह से भारत ने प्रतिबंध लगाया। चीन बार बार भारत में जिस तरीके से अपनी गतिविधियां कर रहा है, भारत से पैसे कमाता है, उसके बावजूद भारत को ही तोड़ने का काम प्रयास कर रहा है। इसीलिए भारत में तमाम चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद चीन और बौखलाया है और चीन अमेरिका के कारण भी भारत पर बौखलाया, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से भारत का साथ दे रहा है और चीन को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बार बार लताड़ा है, इसकी वजह से चीन काफी परेशान है और चीन इसीलिए बार बार भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है शायद भारत दब जाए, और उसको एक विस्तारवादी नीति है चीन की, हर जगह जमीन हड़पने की कोशिश करता है हर देश में, लेकिन शायद उसको भारत में ही ऐसा मुकाबला करने को मिल रहा है, ऐसा टक्कर मिल रहा है कि भारत देश किसी भी स्तर पे चीन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने साफ तौर पर CDS ने संकेत दिया है, अगर युद्ध की बात होती है तो युद्ध के लिए भी तैयार है और भारत हर स्तर पे चीन से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो वैश्विक नीति हो, चाहे विश्व स्तर पे किसी भी मुद्दे पे हो, लड़ने के लिए तैयार है। और अब विश्व के तमाम देश भारत के साथ हैं, वजह साफ है, देश का नेतृत्व जो पूरे विश्व में, विदेश नीति भारत का, हर चीज और खास तौर से आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से भारत लड़ रहा है, ऐसे में विश्व के तमाम देश भारत के साथ आज खड़े हुए हैं और यही रणनीतियां आगे चल के काम आने वाली हैं। चीन की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारत में व्यापार जब करने आता है तो भारत में पूरी तरीके से चीन में प्रतिबंध हो गया है। भारत सबसे बड़ा चीन का व्यापारिक केंद्र था, मोटी रकम भारत से पैसा कमाता था चीन, क्योंकि आप सबको पता होगा भारत में चाइनीज वस्तुएं भारी मात्रा में बिकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जनसंख्या और भारत की विशालता, भारत इतना विशाल है जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या भी बहुत बड़ी 130 करोड़ से ऊपर है, इसकी वजह से सबसे बड़ा मार्केट भारत चीन के लिए था। इसकी वजह से चीन भारत में बड़ा निवेश करता था और मोटी रकम पैसा कमाता था भारत से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। चीन के तमाम ऐप हैं जो चीनी ऐप हैं और तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया, इससे चीन बौखलाया हुआ है। इस दीपावली आपने देखा कि तमाम लोगों ने खुद जागरूकता अभियान चलाया और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जगह जगह पे चीनी वस्तु दुकानों पे भी बिकना कम हो गए, दुकानदार भी कम बेचे चीनी वस्तुओं को, और चाइनीज जो बिजली थी और तमाम उत्पाद थे उन सब पर पूरी तरीके से रोक लगाया गया, चाइनीज मोबाइलों पे रोक लगी। फिर भी अभी एक भारी मात्रा में चाइनीज वस्तु आ रहे हैं, लेकिन चीन को कहीं ना कहीं आर्थिक चोट पहुंचा, इसलिए भी चीन परेशान है और उसकी परेशानी जायज भी है। भारत किसी भी स्तर पर चीन से दबने वाला नहीं है और चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। यदि भारत से चीन पैसे कमाता है और भारत के खिलाफ आवाज उठाता है तो भारत उस पर प्रतिबंध लगाए, ये सही भी है। और बिपिन रावत ने साफ तौर पर संकेत दिया कि अगर युद्ध की बात करेगा चीन तो भारत चीन से युद्ध करने के लिए भी नहीं डरेगा, भारत तैयार है, हर वक्त तैयार है चीन से लड़ने के लिए, हर हथियार भारत में आ रहे हैं, व्यवस्था हो रही है पूरी तरीके से। आज फ्रांस, अमेरिका और विश्व के कई देश, जापान, रूस, सारे के सारे देश, कई बहुत सारे जो भी मजबूत राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि चीन बार बार भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है, बौखलाया हुआ है, उसको लगता है शायद भारत को वो डरा सके। जुड़े आप हमारे चैनल के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि सीमा पर जिस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं उस पर आपकी क्या राय है, और जवानों के लिए, उत्साहवर्धन के लिए जय हिंद जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक जरूर करें, धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।